हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. मायसेल्फ दर्शित रोहिणी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है. 12th साइंस एनसीईआरटी के अंदर, 12th साइंस एनसीईआरटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस. लास्ट लेक्चर के दौरान हमने देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल किस दो प्रोसेस की बेस पे वर्क करता है. वन इज अ जेनेटिक इंजीनियर, सेकंड इज अ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. देन आफ्टर वी विल डिस्कस टू डिटेल हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू वर्क द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस. एंड देन आफ्टर वेरियस फ्यूचर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, हाउ टू पजेस टू आर डी एन ए, न्यू रिकॉम्बिनेट डी एन ए, वेरियस टाइप के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लिया. आर डी एन ए कैसे वर्क कर सकता है, आर डी एन ए की टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले सारे टूल्स लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देन आफ्टर वैक्टर, देन आफ्टर होस्ट, देन आफ्टर पर्टिकुलर होस्ट इंजेक्यूलेशन के लिए प्रोसीजर, देन आफ्टर फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख ली. फ्रेगमेंट डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है उसको सेपरेट करने की उस पर्टिकुलर प्रोसेस देख ली. देन आफ्टर वी विल डिस्कस टू टुडे हाउ टू वर्क आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, पूरे की पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस. हमने हमारे पास अब टूल्स है कैसे वर्क करता है वो सब हमने देख लिया, बट अब किस तरह से पूरे अब सारे टूल्स को यूज करके हम किस तरह से न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, इसका पूरी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा जो हमारा कॉम्पिटिबल होस्ट है वो वाला टॉपिक हमने देख लिया है. टुडे वी विल डिस्कस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम किस तरह से आरडीएनए बना सकते हैं. पहली बात कि हमें ऑलमोस्ट हमारा आइडिया तो क्लियर है, हमारा सारा आइडिया क्लियर है कि हम किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं. कि हमें एक तो सपोज प्लाज्मिड चाहिए, वेक्टर चाहिए, एक फॉरेन डीएनए चाहिए, दोनों को कट करना है, उन दोनों को कट करना है हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बाद उसको जोड़ना है हेल्प ऑफ लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम, एंड देन आफ्टर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफर करना है पर्टिकुलर फेवरेबल होस्ट के अंदर और उसको क्लोनिंग करवाना है. ये पूरी सिंपल प्रोसेस थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की. लेकिन अब किस तरह से, जैसे कि फॉरेन डीएनए है, सपोज मैं आपको बता दूं कि हमें फॉरेन डीएनए है हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है, तो हमने मान लिया कि हम फॉरेन डीएनए को फर्स्ट आइसोलेट कैसे करते हैं, आइसोलेशन प्रोसेस, ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आज बीच का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो सब तो हमें पता है, लाइगेज एंजाइम कैसे वर्क करता है, लेकिन आइसोलेशन मतलब सपोज आपको बता दूं कि कोई ह्यूमन बीइंग है, सपोज कोई ह्यूमन बीइंग है जिसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर मान लीजिए दिस इज अ ह्यूमन, एंड देन आफ्टर इसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर ऐसा डीएनए है, वो डीएनए इस ह्यूमन की पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि इस ह्यूमन की पर्टिकुलर आई और स्किन का कलर के लिए रिप्रेजेंट करता हुआ एक जीनोम से, उसके पास जीन है, डीएनए है इसकी बॉडी के अंदर, तो उसको हम किस तरह से बाहर निकाले, तो वो आइसोलेशन प्रोसेस है. तो आइसोलेशन करने के लिए हमें वेरियस टाइप के एंजाइम यूज करने हैं. जैसे कि ये डीएनए है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीनोम है और जीनोम के अंदर डीएनए है. तो उसको बाहर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ तो हमें ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन चाहिए, ब्लड, हेयर, स्किन एक्सेट्रा, कोई भी पार्ट हमें चाहिए. एक पार्ट रिमूव कर दिया, सपोज हमारे पास हेयर है
सपोज हमारे पास स्किन का सेल है, सपोज हमारे पास ब्लड का सेल है, तो ब्लड के सेल के अंदर हमें उसका सेल, सपोज हमारे पास वो सेल फॉर्म मिल गया, अब सेल को उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय करना है फर्स्ट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करने के बाद सेल वॉल तो एनिमल सेल के अंदर होती नहीं, सो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब करना है। दूसरी बात, हमारे पास न्यूक्लियस है वो एनवेलप है, मतलब न्यूक्लियस एनवेलप होगा, तो न्यूक्लियस एनवेलप को डिस्ट्रॉय करना है, और न्यूक्लियस एनवेलप डिस्ट्रॉय होते ही उसके अंदर से हमें क्रोमोसोम मिलेगी, और क्रोमोसोम में से हमें डीएनए निकालना है। तो ये सारी प्रोसेस थी वो आइसोलेशन प्रोसेस थी, ये जो सारी प्रोसेस थी वो आइसोलेशन प्रोसेस थी। तो इस तरह से पूरा आइसोलेशन होता है। तो किस तरह से हम सेल मेम्ब्रेन और सेल एनवेलप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, हेल्प ऑफ मैनी टाइप ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम है वो यूज करने हैं, उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलरली जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल न्यूक्लियस एनवेलप है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम कौन कौन से है, लेट्स वी विल बी डिस्कस ऐसे के कौन कौन से एंजाइम है जो पर्टिकुलरली एनिमल सेल और प्लांट सेल में से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लाइसोजोम्स, फर्स्ट एंजाइम है, दूसरा है सेल्युलेज, तीसरा है काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम फंगस में से मिलता है, सेल्युलेज एंजाइम प्लांट में से मिलता है, और लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया में से मिलता है। ये तीनों तीन एंजाइम्स हमें पर्टिकुलर जीनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, कोई सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। जैसे कि एक एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, अब उस बैक्टीरिया सेल में से उसका जीनोम जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालने के लिए हमें क्या उसके अंदर डालना पड़ेगा, लाइसोजोम्स एंजाइम, जिसके हेल्प से उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, एंड देन आफ्टर सराउंडिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाएगा और उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल बाहर हो जाएगा। प्लांट सेल के अंदर अगर आपको उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालना है, तो सपोज आप एक लीव से वो ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, पेट्री डिश के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर सेल्युलेज डाल दीजिए। सेल्युलेज डालने की वजह से लीव्स के सारे पत्ते है उसका जो सेल वॉल है वो टूटेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, फिर सेल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाएगा और हमारे पास जीनेटिक मटेरियल रिमूव हो जाए। उसके बाद अगर आपको फंगस के अंदर से कोई पर्टिकुलर फंगस है, लाइक एस्परजिलस है, वो एंटीबायोटिक एज अ यूज होती है, तो उसका डीएनए आइसोलेट करवाने के लिए क्या होगा, तो फंगस लेनी है, उसके ऊपर काइटिनेज एंजाइम है वो डालना है, जिसके हेल्प से फंगस की सेल वॉल, फंगस मेम्ब्रेन, फंगस की सेल के सराउंडिंग जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके अंदर से जीनेटिक मटेरियल आइसोलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कोई भी एनिमल प्लांट बैक्टीरिया किसी का भी, प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स, किसी का भी हमें जीनेटिक मटेरियल मिल गया, मतलब एज अ फॉरेन डीएनए जिसको हमें रिकॉम्बिनेट करना है वो मिल गया। उसके बाद उसको कट कैसे करते हैं, कट ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। उसके बाद दूसरी प्रोसेस आइसोलेशन, हमें वेक्टर का भी करना पड़ेगा ना, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में से हमें पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए चाहिए, वो प्लाज्मिड को हमें आइसोलेट करने के लिए सेम वे, सेम जो सेल्युलेज लाइसोजाइम्स एंड काइटिनेज एंजाइम है वो यूज करना है, बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलरली लाइसोजाइम्स एंजाइम है वो यूज करना है। सपोज हमें प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए मिल गए हैं, तो अब उसको पर्टिकुलर साइट से कट करना है, हेल्प ऑफ डीएनए, हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया है कि नहीं वो चेक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है। देन आफ्टर ये नेक्स्ट स्टेप था, उसके बाद कट हो गया स्पेसिफिक साइट से डीएनए, उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे करवा सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कट हो गया, कट होने के बाद जुड़ भी गया, लाइगेश एंजाइम की हेल्प से हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी दिया, खत्म हो गया। उसके बाद हम एम्प्लीफिकेशन करवाने के लिए, सपोज कोई भी डीएनए था, डीएनए की पर्टिकुलर साइट थी, उसको हमने कट किया, सपोज हमने एक डीएनए था पूरा, इस डीएनए में से हमने इतनी जो जगह थी, इतनी जो साइट थी उसको हमने कट कर लिया, ठीक है, इतनी साइट को हमने कट कर लिया,
उसके बाद प्लाज्मिड में से भी इतनी साइड थी उसको कट कर लिया, ठीक है। अब हमारा फॉरेन डीएनए है और प्लाज्मिड है, उसका हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े ही है। अब इसकी कॉपी करनी है, ये छोटे टुकड़े की कॉपी करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी करनी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो छोटे टुकड़े है, जो हमने हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है, तो अब क्या करना है, तो अब आगे क्या करना है। तो ए है, सपोज फॉरेन डीएनए की हमें कॉपी चाहिए, मतलब एज अ स्टोर करने के लिए हमारे पास ऐसी कॉपी होनी चाहिए जैसा कि हम सोचते हैं। तो पूरा डीएनए की कॉपी बनाने की प्रोसेस को हम, पूरा डीएनए नया बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर वो रेप्लिकेट होगा और नए डीएनए बने, उसको क्लोनिंग कहते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर कट हुआ जो पार्ट है डीएनए का, हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस यूज होगी, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो पूरी टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेट्स वी विल बी डिस्कस हाउ टू वर्क पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इजी फॉर्म में यहाँ पे मैंने दिया है। सपोज आपके पास एक डीएनए का टुकड़ा है, फॉरेन है या प्लाज्मिड है, उसकी आपको कॉपी करनी है, तो उसको एम्पलीफाई करवाना है। एम्पलीफाई करना करवाने के लिए उसको फोर स्टेजेस में से पास आउट करवाना। फर्स्ट इज अ डीनेचरेशन, देन आफ्टर एनिलिंग, देन आफ्टर एक्सट्रेशन एंड देन आफ्टर एम्पलीफाई। अब डीनेचरेशन किसके लिए है? डीनेचरेशन स्टेप ऐसे डीएनए के लिए है कि जो पूरा डीएनए, सपोज आपके पास कोई कट हुआ पार्ट नहीं है, सपोज आपके पास पूरा डीएनए है, आपको पूरा डीएनए की मतलब डबल हेलिक फॉर्म में जो डीएनए है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है, सेम टू सेम कॉपी, उसके अंदर नो चेंज। अगर रिकॉम्बिनेट होगा तो उसके अंदर चेंज होगा, लेकिन ऐसे ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो कॉपीज बनाने के लिए आपको फर्स्ट ये जो फुल डेवलप्ड डबल हेलिक फॉर्म में जो डीएनए है उसको डीनेचर करना पड़ेगा। डीनेचर करना पड़ेगा मतलब ये जो 89 थायमिन बेस से जुड़ा है, जो डीएनए की दोनों स्ट्रेन 3 एंड 5 स्ट्रेन है, 3 नंबर की और 5 नंबर की जो स्ट्रेन है वो 89 थायमिन की हेल्प से जुड़ी हुई है, उसको डीनेचर करवानी है, मतलब तोड़ देनी है। दूसरा पार्ट है एनिलिन, उसके बाद हमें एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब एनिलिन, उसके अंदर पर्टिकुलरली हमें एक प्राइमर डालना है। प्राइमर मतलब एक ऐसा टुकड़ा, मतलब इसको आपने जोड़ ओपन कर दिया, डीनेचर कर दिया, तो ये पूरा डीएनए था उसको आपने ओपन करके ऐसी दो स्ट्रेन बना दी। अब यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करना है। प्राइमर कैसा होगा? जैसे कि यहाँ पे 89 और थायमिन है, तो इस प्राइमर के पास ग्वानिन और साइटोसिन होने चाहिए, पता चला। ऐसा प्राइमर हमें यहाँ पे रखना है और हमें एक्सटेंशन करवाना है। एक्सटेंशन करवाते ही ये जो पूरा ये प्राइमर आते ही पूरे नए नए न्यूक्लियोटाइड बन नए नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनने लगेंगे और सराउंडिंग उसके अपोजिट यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमर था वो आगे बढ़ के, मतलब एक जो स्ट्रेन थी उसमें से एक दूसरी स्ट्रेन बन गई, मतलब एक डीएनए बन गया। ऐसे ही यहाँ पे एक प्राइमर हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी ये प्राइमर के साथ जॉइंट हो गए, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये भी एक नया डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है एनिलिन एंड एक्सटेंशन, एंड देन आफ्टर फोर्थ स्टेप है एम्पलीफाई। अब ये दो के चार, चार के छह, छह के आठ, फिर से ये दो डीएनए है, दो डीएनए का फिर से इसका क्या होगा? डीनेचराइजेशन। उसके बाद फिर से डीनेचराइजेशन में पूरे स्टेप में से पास आउट हो गए, फिर से इस दो के, एक का दो और इसका दो, मतलब दो के चार, चार के आठ, आठ के नौ, नौ के अठारह, अठारह के बत्तीस, इस तरह से एक साइकिल। जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट होगा डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा, जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट होगा पूरा डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा। और हमारे पास सपोज मान लीजिए कि एक ही टुकड़ा है डीएनए का ऐसा, तो उसको सीधे एनिलिन में ले जाना है। एनिलिन में ले जाके उसके साथ प्राइमर जोड़ देना है। प्राइमर जोड़ने के बाद उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालना है, जिसके हेल्प से क्या होगा कि पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये 5 एंड है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे 89 है, तो यहाँ पे थायमिन
आ जाएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा। ऊपर की स्ट्रेन तो हमारे पास है, नीचे की नहीं बनानी, तो इसके लिए हमें प्राइमर डाला। प्राइमर एज अ प्राइमर कोई भी डीएनए का कोई भी टुकड़ा हम ले सकते हैं जिसके पास इस डीएनए के पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस हो, इस डीएनए के पर्टिकुलर उसके पास न्यूक्लियोटाइड बेस हो। सपोज मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि हमने एक स्ट्रेन ले ली, उसके बाद एज अ प्राइमर दूसरे डीएनए का एक टुकड़ा ले लिया, तो अब इस टुकड़े पास 89 थायमिन और ग्वानिन है, तो ये टुकड़ा कहाँ पे जॉइंट होगा, जहाँ पे उसकी अपोजिट जिसके साथ ये जॉइंट हो सकता है 89 थायमिन ग्वानिन, तो 89 के साथ थायमिन होना चाहिए, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और ग्वानिन के साइटोसिन के साथ ग्वानिन, तो ऐसा जहाँ पे पॉइंट होगा वहां पे वो जॉइंट हो जाएगा, उसके बाद अपोजिट नए नए न्यूक्लियोटाइड बेस बनते जाएंगे हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, एनीलिंग करवाने के लिए प्राइमर को यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, और हीट देने के बाद हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालना है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो थर्मो रेगुलेट होता है। थर्मो रेगुलेट मतलब आपने 1000 डिग्री से भी ज्यादा, 100 डिग्री मान लीजिए, 100 डिग्री से भी ज्यादा हीट दी है इस डीएनए को, फिर भी हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इनएक्टिव नहीं हो जाता। दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इनएक्टिव नहीं हो जाता, क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम है ऐसे बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया है कि जो ऑलरेडी थर्मो एक्वेटिक है, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया में मिलते हैं, हमने देखा इकोसिस्टम वाले चैप्टर के अंदर कि थर्मल स्प्रिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव होते हैं, तो उसके पास ऐसे जीन्स है जो कि जो थर्मल मतलब बहुत सारी हीट सर्वाइव कर सकते, तो ऐसे बैक्टीरिया में से हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लाना है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का वर्क क्या है, प्राइमर को एक्टिव करके एनीलिंग प्रोसेस स्टार्ट की। एनीलिंग मतलब ये जो पूरी जो स्ट्रेन है, मतलब यहाँ पे 89 है, थायमिन है, पूरा रीड करता है, पूरी जो स्ट्रेन होती है उसको रीड करता है और प्राइमर उसके साथ जुड़ता है, और अपोजिट उसके बाद एक स्ट्रेन एक डीएनए में कन्वर्ट होती है, दूसरी स्ट्रेन दूसरे डीएनए में कन्वर्ट होती है, ये वन साइकिल हुआ, फिर से साइकिल स्टार्ट होगा, ये डीएनए फिर से डीनेचर होगा, फिर से एक में से दो, इसमें से दो मतलब दूसरी साइकिल में 4 डीएनए मिलेंगे, तीसरी साइकिल में 8 मिलेगी, ऐसे 30 बार अगर साइकिल कंप्लीट होती है तो 1 million डीएनए की कॉपी हमें मिल जाती है, एक ही डीएनए की सेम टू सेम, उसमें नो चेंजेस, तो ये है पूरा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको। पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से आप पूरी डीएनए की चेन बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। आप डीएनए का कोई टुकड़ा और पूरा डीएनए को मल्टीप्लाई कॉपी करवा सकते हैं, आपको किसी होस्ट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी होस्ट के अंदर कोई फॉरेन डीएनए का पार्ट डाला तो मल्टीप्लाई होने की कोई चांसेस नहीं है, एप्लीकेट होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि उसको जीनोम का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा तो रिकॉम्बिनेट भी हो सकता है, नेचुरल रिकॉम्बिनेट, ये डीएनए और दूसरे उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डीएनए कंबाइन होके रिकॉम्बिनेट बनने की भी चांसेस है, बट हमें एक्यूरेट जैसा है ऐसी ही कॉपी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है, आरडीएनए है, उसको अगर आप पीसीआर में डालें तो इसकी जितनी भी हमें स्ट्रेन चाहिए, मतलब जितनी भी कॉपी चाहिए इतनी कॉपी हमें उसकी मिल सकती है डीएनए की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के हेल्प से। तो एक स्टेप यहाँ पे डाला है डीएनए की कॉपीज करवाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड, उसको डीनेचर कर दिया, यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट, और बीच में दोनों जगह पे एक प्राइमर ऐड कर दिया एनीलिंग करके, और मतलब आइडेंटिफाई किया कि ये पार प्राइमर कहाँ पे ज्वाइंट हो सकता है, यहाँ पे ज्वाइंट हो सकता था तो वहां पे ज्वाइंट कर दिया उसकी न्यूक्लियोटाइड बेस के डिपेंडिंग, और उसके बाद उसके साथ टैग पॉलीमरेज या तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स या तो उसका तीसरा नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाला, जो थर्मोरेगुलेट है, एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में सर्वाइव हो सकता है क्योंकि ये प्रोसेस हीटिंग में होती है डीनेचरिंग और एनीलिंग, तो यहाँ पे हमें ऐसा ही एंजाइम डालना पड़ेगा कि जो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में थर्मोडायनेमिक उसकी बॉडी थर्मल पावर को मतलब थर्मल मतलब हाई हीट वेव को एब्जॉर्ब कर सके और वहां पे सर्वाइव हो सके। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सटेंशन होता है,
नया डीएनए बनने लगता है और ऐसी 13 साइकिल चलती है तो 1 बिलियन कॉपीज हमें मिलती है पूरी एक ही डीएनए की। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीडी प्रोसेस है और कितनी यूजफुल है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक डीएनए एम्प्लीफिकेशन और हाउ टू एम्प्लीफाई जीन इंटरेस्ट इन पीसीआर, देन आफ्टर कटिंग स्पेसिफिक लोकेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन आफ्टर हाउ टू आइसोलेट जीनेटिक मटेरियल एंड देन आफ्टर लास्ट स्टेज इज अगर रिकॉम्बिनेंट स्टेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है तो लास्ट स्टेज के अंदर हम हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको रिकॉम्बिनेट मल्टीप्लाई क्लोन करवाने के लिए हम किसी होस्ट के अंदर भी उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसीजर, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप था आइसोलेशन, दूसरा था कटिंग, तीसरा था लाइगेशन के दौरान जोड़ान, चौथा था एम्प्लीफिकेशन और 5 नंबर का स्टेप था क्लोनिंग करवाने के लिए स्पेसिफिक होस्ट। तो यहाँ तक हम आज का टॉपिक रखते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का, वो हम लास्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे और यह चैप्टर यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसका प्रिंसिपल हो गया और उसकी प्रोसीजर हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ ली। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हम इस प्रोसेस की हेल्प से डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए करके क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए वैक्सीन, देन आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन से वो सारी एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं हमारे 12th चैप्टर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।